अज असी उस महान शहीद दे घर आए हाँ जिन्होंने देश वास्ते 30 साल की उम्र के कुर्बानी दी है। जड़े चट्ठा पिंड दे सी, अज असी चट्ठा पिंड दे विच बैठे हैं, जिला गुरदासपुर दे विच। ते उन्हां दे परिवार दे जड़ा है नतमस्तक होण आए हैं, जिन्होंने अपना बेटा देश वास्ते एक तरह तो कह लो कुर्बान किया है। तो मेरे को उस दिन का आया नहीं सी, गया थोड़ा लेट हो गया। पिछले दिनी जम्मू दे विच अतवादियों नाल मुकाबले विच शहीद होए गुरदासपुर दे हलका फतेहगढ़ चूड़ियां दे पिंड चट्ठा दे शहीद मनदीप सिंह दे परिवार नाल किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने दुख सांझा किया। गुरनाम सिंह चरूनी दे शहीद मनदीप सिंह दी पत्नी मनदीप कौर ते माता मनजीत कौर नाल गलबात भी की। इस मौके किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि अज असी ओ महान शहीद दे घर आए हाँ जिसने देश दे लई शहीदी दित्ती है। नाल ही उन्होंने कहा कि देश लई जो किसानों अते मजदूरों के पुत्रां दीआं शहीदियां हो रही हैं इन्हां नूं रोकण दा इक्को एक हल है कि जिन्हें भी राजनीतिक लोग हैं वह चोणां लड़न तो पहलां आपदा अपने बच्चों नूं सरहद की राखी लई 5 साल फौज विच भर्ती करवाण। नाल ही उन्होंने कहा कि 2022 विच पंजाब दीआं चोणां नूं लैके उन्हां दी पार्टी वल्लों पंजाब दीआं 117 विधानसभा सीटां ते चोण लड़ेगी। असीं अपनी पार्टी विच रियाती पार्टियां दे वड्डे लीडरां नूं अपनी पार्टी विच शामिल नहीं करांगे। असीं पंजाब विच एक ऐसी रिवायत पा देवांगे जिस नाल कदी भी किसानां दा कोई भी सियासी पार्टी शोषण ना कर सके। देखो इस देश दे विच देश दे जवान दी ते देश दे किसान दी कोई वैल्यू नहीं है। जिहड़ा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लाया सी जय जवान जय किसान दा, या खेत में किसान सीमा पे जवान दा, अज तुसी देखो कि भी करीब 700 कुर्बानियां धरने दे बैठे दी किसानां दी हो गई ने। 11 साढ़े 11 महीने तो ठंड दे विच गर्मी दे विच उत्थे बैठे हुए ने ते कोई सुनवाई नहीं है, कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि देश वास्ते लड़ रहे ने, देश का पेट भी भरिया है ते हुण देश की जड़ा है बचाण वास्ते, क्योंकि पूरे देश का भोजन कारपोरेट के हाथे जाएगा, वो सस्ता खरीदेंगे तो गरीबों महंगे तो महंगे बेचणगे और भुखमरी वरतेगी। दूजे पासे साडे जवानों का हाल देखो, करीब 1000 जवान हर साल साडा सीमा ते शहीद हो जाता है। बई कादा रोना है, बाकी दुनिया नहीं बस रही। बाकी दुनिया जदों बस रही है उन्हां दा रोज झगड़ा नहीं है, ये हिंदुस्तान ते पाकिस्तान का क्यों हुंदा है रोज? तो मैं तो कहना इन्हां हिंदुस्तान दे विच भी ते पाकिस्तान दे विच भी एक कानून बना देना चाहिए भी कोई भी जड़ा नेता बनेगा इलैक्शन लड़ेगा उन्हें पहला 5 साल इस पाकिस्तान वाली सीमा ते पहरा देना पड़ेगा। जे 1 साल दे विच दो ना सुधर जाना तो ना हिंदुस्तान तो कोई शहीद होएगा ना पाकिस्तान का कोई शहीद होएगा। ये लोगों के पुत मरी जाते हैं, किसान मरी जाते, ना किसानों की इतने कोई वैल्यू, ना जवानों की इतने कोई वैल्यू। उस तो बाद जो मंत्री की गड्डी के नाल हादसा होया या लाठीचार्ज होने देखो जो भी मुसीबत किसानों की आ रही है जी कई तो मतलब एक तरह तो जो जुल्मा की हद है जिमें आप लखीमपुर खंड कांड कहीए बई एक नेता है, नेता का काम देश को बचाना होंगे, लोगों को बचाना होंगे। नेता का बेटा गड्डी चढ़ा के कुचल रहा किसानों, मतलब इस तो वध गुंडागर्दी की हो सकती है? गुंडा राज हो गया ना, सब तो बड़ा गुंडा देश के मंत्री दे उहदे ते बैठा है, गृह राज्य मंत्री है जिन्होंने कंट्रोल करना उस चीज़ दे। वो कहिंदा भाई मैनूं तुसीं एवें समझदे हो, मेरा इतिहास चक के देखो मैं कितना वड्डा गुंडा रहा, कई कतलों के केस ने उस साढ़े दुर्भाग मतलब बदकिस्मती साढ़े देश की आपां कह सकते हैं कि इस राजनीति ने साढ़े देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जिहड़े किसानी की जीत नहीं नज़र आ रही कि जो भाजपा की जी हार हुई है इस वक्त इलेक्शन च हाई इलेक्शन हुई, इन्हों आप किसानों की जीत नहीं कह सकते क्योंकि BJP के हारन कोई कानून नहीं बदल जाने। एक्चुअली की है, एक्चुअली सारी राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां ने इक्को थाली दे चट्टे बट्टे ने, वो चली गई उहदा राज है। हुण कांग्रेस के 70 MP बदल के BJP दे विच आ गए 2014 च, तो फिर राज तो उन्हां दा ही होया, बंदे तो उही ने, पॉलिसी तो उही है, चेहरे बदलते ने, पॉलिसी तो बदली नहीं,
जे चेहरे बदलना तो हल नहीं हुंदा, पॉलिसी बदलना हल होएगा। पॉलिसी कोई बदलता नहीं, दोवें कारपोरेट के थले ने को दोवें कारपोरेट की पॉलिसी बनाते हैं। सब तो पहला अंदोलन पंजाब च हो कानून नहीं बदलवाए गए, उदन की तो गल नहीं की गई। ये तो हुंदा की है, ये सियासी लोग ने जे मतलब बीजेपी नाल सीधी गल करेगा तो लोग कहणगे बीजेपी नाल गल करन क्यों गया, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। जे ये बहाना करेगा कि मैं किसानों बारे गल करन जा रहा, गल कोई होर पार्टी की राजनीति की करेगा तो वह परदा ढकया जाएगा। 2022 नहीं, किसान जथेबंदियां तो सह चोण लड़नगियां कि नहीं लड़नगियां पता नहीं, पर असी अपने वालों असी अपने ग्रुप वालों ये मिशन 2022 चलाया भी इन्हों का कोई इलाज नहीं है। इस दे पूरे देश का बेड़ा गर्क जिहड़ा कीता अज दे राजनेता ने किया, अज दे नीतिकारा ने किया। सानू चंबल की घाटी के डाकुआं ने लुटिया, हुण अंग्रेजों का राज नहीं है, हुण साडे देश दे बेईमानां दा राज है। उन्हां तों राज खोलो, इक्को ही तरीका है कि आ जिहड़ी रवायती पार्टियां ने ये पैसे तो सत्ता, सत्ता तो पैसा, पैसा इहनां दा रब हो गया है, तो हज़ारां कतल कराने पै जाणे इहनां नूं सत्ता वास्ते, धर्म की लड़ाई करानी पै जाए, जातां की लड़ाई करानी, यह सब कुछ कराते हैं। इस राजनीति नूं शुद्ध करन दी लोड़ है। जिहड़े उत्थे रवायती पार्टियां ने उन्हां दा जे ओह भ्रष्ट हो गईआं ने, ओह जिहड़ा है एक तरह के पाप करने तो नहीं डरदियां, अपने विचों पंचायती कैंडीडेट चुनो, अपने विचों चंगे उम्मीदवार चुनो, तो पंजाब की सरकार बदलो। तो पंजाब का मिशन, पंजाब का मतलब है 2022 दे विच जे तुहाडी सरकार आ जाए, जनता की सरकार आ जाए, तो 2024 तक तुसीं एक मॉडल पेश करके दिखा दिओ कि राज इस तरह चलना चाहिए, तो 2024 के इलैक्शन के पूरा देश कहेगा कि सानूं पंजाब मॉडल चाहिए। यदि इलैक्शन लड़न की पंजाब के जोड़े चंगे लोग, पंजाब के जोड़े समझदार बुद्धिजीवी समाज सेवी, उन्होंने सारे एक मंच से इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने सारे एक मंच से इकट्ठे करके पार्टी, उन्होंने पार्टी बनवावे, पार्टी बना के उन्होंने इलैक्शन लड़वावे, पूरे पूरे पंजाब के सारी जगह खड़े करा। इस खड़े करोगे पार्टियां, सियासी पार्टियां छड़ के आए लोग हो जिस तरह नहीं, ये आम लोग ये कह लो कि जेडे तो बड़े मगरमच्छ ने, वह असी कोई पा ये नहीं रलावे, या जिना दे जिना जेडे दागी लोग ने उन्होंने असी ये नहीं रलावे, असी थोड़ा शुद्धता रखना चाह रहे हैं। जेडे छोटे लैवल के होंगे, कोई ब्लॉक समिति लैवल का है, कोई जिला परिषद लैवल का है, कोई होर थल का है, कोई सरपंची लैवल का है, वह जोड़े ने सारे आ जाए। वैसे तो असी जड़ा है मिशन पंजाब दे असी पांच जड़ा है वो पदाधिकारी बनाए ने, माझा, मालवा, दुआबा, पुआध, इस तरह करके, तो बाकी जड़ा है वो लोगों नूं जोड़ रहे हैं। तो पार्टी जिहड़ी है वो अजे रजिस्ट्रेशन उहदी नहीं हुई है, तो अजे साडा ज़्यादा ध्यान थोड़ा जा अंदोलन दे विच है, तो या तो अंदोलन खत्म होंगे तो फिर एकदम इस काम से लग जाएंगे, तो नहीं तो फिर जिम्मे लग रहे हो लगे रहा।